12.4 देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट्स व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर्स फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट्स. ठीक है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, देन ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. बाकी सारे भी अपने लोग सब लोग सॉल्व करिए, देन आई विल स्टार्ट ओवर हियर. चलिए 12.4 हम लोग सॉल्व करते हैं. यहां पर V आप लोग को दे रखा है 60 वोल्ट, सो राइट डाउन V इज इक्वल टू 60 वोल्ट. वेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. वॉट करंट अभी आ गई, हम लोग देखते हैं कि करंट कितना ड्रॉ करेगा. सबसे पहले R निकाल लेते हैं इसके इसमें, ठीक है, क्योंकि जब R निकालोगे तभी दूसरे में लगा सकते हो. सो V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4, सो यू विल गेट 15 एम्पेयर. नाउ रेजिस्टेंस हमारा सेम वही रहेगा, ठीक है. सो सेकेंड केस में उन्होंने बोला है फिर से करंट निकालना है आप लोग को. V आप लोग को अब दे रखा है इन्होंने इंक्रीज करके 120 वोल्ट. R हम लोग ने यहां से निकाला है, सो R को हम लोग लिखेंगे 15 एम्पेयर, सॉरी 15 ओम. V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, 120 डिवाइडेड बाय 15, सो यू विल गेट 8 एम्पेयर. करिए डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 12.5 एग्जाम्पल. 12.5 रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर. उसके बाद टेबल देख लेंगे, ठीक है. जिनके पास नहीं है एनसीईआरटी यहां पे पॉज करके आप लोग न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ. आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से, देन आई विल स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है. सो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. R आप लोग को दे रखा है 26 ओम. टेम्परेचर का हमें कुछ नहीं करना अभी. डायमीटर आप लोग को दे रखा है 0.3 मिलीमीटर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोग को ये कन्वर्ट करना होता है मीटर में, सो दैट विल बी 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. अच्छा मिलीमीटर डायमीटर अभी आप लोग को दे रखा है ना, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स, ठीक है. एंड रो आप लोग को कैलकुलेट करना है. सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. सो रो क्या हो जाएगा हमारा, इंटू कर लेते हैं आर इंटू ए अपॉन एल. एरिया निकाल लेते हैं हम लोग यहां पर. सो एरिया देख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ए इज इक्वल टू पाई का हम लोग लगाएंगे 3.14 इंटू रेडियस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है. सो 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का. सो व्हाट यू विल गेट, 3.14 इंटू 0.3 का आप लोग का डिवाइड करिएगा, 3 3 9 होता है आप लोग का. सो 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 4
इंटू 10^-6 ये हो जाएगा. सो ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10^-6 मीटर स्क्वायर. ये वाली वैल्यू हम लोग सब्सिट्यूट कर देते हैं इन द फॉर्मूला. सो रो इज इक्वल टू आर आप लोग को दे रखा है 26 इंटू एल आप लोग को 1 दे रखा है, सॉरी अपॉन 1 आएगा नीचे, एरिया यहां पे लगा देते हैं 3.14 इंटू 0.09 इंटू 10^-6 इंटू 4 आ गया. ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको. सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज ये वाला हमारा कट जाएगा यहां पर. सो रो इज इक्वल टू 6.5 इंटू 3.14 इंटू 0.09 इंटू 10^-6. सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज रो इज इक्वल टू 6.5 इंटू 0.09 मैंने यहां पे किया है पहले. सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज 0.585 इंटू 3.14 इंटू 10^-6. मैं आगे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को इंटू कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट. ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज रो इज इक्वल टू 1.836 इंटू 10^-6 ओम मीटर. यही आप लोग का इसमें आंसर है. ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग ने राउंड ऑफ कर दिया है. सो यू विल गेट 1.84 इंटू 10^-6 ओम मीटर. दिस इज योर आंसर राउंड ऑफ करके. ठीक है, सो सिंपली इसको हम लोग ने इंटू कर दिया है 1.84 इंटू 10^-6 ओम मीटर. द पॉइंट वाज कि इसमें लेंथ आप लोग को 1 दिया हुआ था मीटर में, अदरवाइज यहां पे भी आप लोगों के कैलकुलेशन आता. ट्राई टू सॉल्व जितना सॉल्व हो जाएगा. एग्जाम में बाय चांस सपोज आप लोग का यहां तक हो जाता है, ठीक है, बट आप लोग इसमें 10-15 मिनट मत लगा देना. व्हाट यू डू इज थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और आगे बढ़ जाना. वंस यू आर फिनिश्ड विद द होल क्वेश्चन पेपर, पूरा आंसर जब हो जाए उसके बाद इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाना. डू नॉट डू कि आप लोग ने 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया एंड उसके बाद आप आगे कोई क्वेश्चन छोड़ दो इसकी वजह से. तो स्मार्टली थोड़ा प्ले करिएगा, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करके नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा. ठीक है, नाउ बिफोर हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.6, इसको करने के लिए थोड़ा सा मेरे को आप लोग को एक और चीज बताना है इसमें. ठीक है, सो नेक्स्ट एक और भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू 12.6. क्लियर है? सो अब आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का एक और चीज पढ़ेंगे इसमें. We'll come back to this 12.6 question. If I'm talking about resistance, ठीक है, so हम लोग ने ये पढ़ा था resistance is equal to rho L by A, that is R is directly proportional to L, R is directly inversely proportional to area. हम लोग ने यही चीज पढ़ा हुआ जिसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है. सो अब आप लोग को एक और चीज इसमें पूछेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड. अच्छा, अगर इसमें लेंथ हमारा डबल होता है, ठीक है, अगर हमारा लेंथ इसमें इंटू टू होता है, सो रेजिस्टेंस भी इंटू टू हो जाएगा. ये तो ईजी है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. अगर एरिया की बात करते हैं, अगर एरिया इंटू टू होगा सो रेजिस्टेंस हमारा डिवाइड बाय टू कर दोगे आप लोग. अगर एरिया हमारा डिवाइडेड बाय टू हो रहा है सो रेजिस्टेंस आप लोग क्या करोगे, इनटू टू कर दोगे. ये तो इजी है अगर अलग अलग पूछे जाए आप लोगों से, राइट?
अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तब तो आप लोग डायरेक्टली कर दोगे और कोई भी वैल्यू दे रखी होगी उसे इनटू या डिवाइड बाय कर लोगे. व्हाट वुड हैपन अगर आप लोग को ये दोनों चीजें कंबाइन दी जाए. फॉर एग्जाम्पल लेंथ आप लोग को इंटू टू दे रखी है एंड एरिया आप लोग को डिवाइड बाय टू दे रखा है, तब अगर आप लोग को रेजिस्टेंस यहां पर निकालना है. ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग को नेक्स्ट कराने जा रही हूं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ केसेस, ठीक है. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू रेजिस्टेंस जिसको हम लोग आर डैश कहे एंड पुराना रेजिस्टेंस के बीच में. सो अब हम लोग यही करने जा रहे हैं. ये हो गया केस वन. इफ length of the wire is doubled and the area of cross section dikh raha hai na and the area of cross section is halved. So now we have to calculate the new resistance, new R, ठीक है. हमें यह calculate करना है. Now, according to the first, अगर जो original जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, R is equal to rho L by A, ये तो हमारा होता है. Let this be equation number वन, ठीक है. Second equation के लिए हम लोग निकाल देते हैं. So नया length इसने क्या बोला है, L dash, नया length उसने क्या बोला है, original length का double है, so that is 2L. नया एरिया क्या बोला उसने, उसका ओरिजिनल का हाफ है, दैट इज ए बाय टू, ठीक है. सो नया रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है. लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर टू. डिवाइडिंग टू बाय वन, व्हाई एम आई डूइंग दिस, हमें आर डैश ऊपर चाहिए है, ठीक है. नहीं तो फिर से तो मैं रेसिप्रोकेट करना होगा, इसीलिए हम लोग यहां पर 2 बाय 1 कर रहे हैं. ओके, चलिए करते हैं. सो 2 पे हमें क्या दे रखा है, रो एल बाई ए, बहुत क्लियरली लिखिएगा इसको, ठीक है. रो एल डैश बाई ए डैश अपॉन आर, सो ये बड़ा वाला आर ये रहा, रो एल बाई ए, ठीक है. एल डैश और ए डैश की वैल्यूज इसमें से हम लोग डाल देते हैं. सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज आर डैश बाई आर इज इक्वल टू रो टू एल इंटू टू एल डिवाइडेड बाय a by 2 divided by rho l by a. okay, इसको reciprocate कर देते हैं. so what we will get is r dash by r is equal to rho 2l upon 1 into 2 by a into area ऊपर चला जाएगा आप लोग का upon rho l नीचे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है. अब यहां पे देखिए क्या 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 कट रहा है. रो से रो कैंसिल आउट हुआ, एल से एल कैंसिल आउट, ए से ए. हमेशा आप लोग के जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कट जाने चाहिए. वो इसी तरीके से ही आप लोग का इक्वेशन बन जाती है, ठीक है. सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर इज आर डैश बाई आर is equal to 2 2s are 4. now this implies कि नया r dash कितना है, जो नया resistance है that is the 4 into r, ठीक है. तो अगर आप लोग को suppose r दे रखा है, अगर आप लोग को suppose 5 ohm, so आप लोग का जो new resistance होगा वो अपने आप कितना बन जाएगा, 5 4s are 20 ohms, ठीक है. this is how you solve it. करना क्या है आप लोग को, जो जो यहां पर दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लोग नए रेजिस्टेंस में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओल्डर वंस. यहाँ पे आप लोग नया सिंबल्स लिखेंगे, नया रेजिस्टेंस निकालेंगे,
डिवाइडिंग 2/1 करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, क्रॉस करके सारा निकल आएगा. एक दो इसको खुद पहले प्रैक्टिस करिए, देन वी विल कम टू एग्जाम्पल नंबर 6. लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 6 नाउ. इसी के ही बेसिस पे हम लोग करेंगे इसको, ठीक है. जिनके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द स्क्रीन, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है. सो राइट डाउन, अ गिवन अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? Pause it over here, जिसके पास नहीं है, try to solve it yourself. उसके बाद आप लोग मेरा देखिएगा solution. First give it a try yourself. चलिए start करते हैं. R is equal to rho L by A. ठीक है, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1. हमें पता है अभी इन्होंने आर वैसे दे रखा है 4, अभी उसका कुछ काम नहीं करना है, एंड में करेंगे, ठीक है. आर डैश निकाल लेते हैं हम लोग. लेंथ एल बाय 2 यानी कि हाफ करा इन्होंने, सो नया लेंथ इज एल बाय 2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A किया है, सो ए डैश विल बी 2A. ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, नया रेजिस्टेंस. लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2, 2/1 कर देते हैं. आर डैश बाय आर इज इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश अपॉन रो एल बाय ए. ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं इस केस में. आप लोग नीचे ही करते जाइएगा. आर डैश बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2A अपॉन रो एल बाय ए. रेसिप्रोकेट कर देते हैं सारा. आर डैश बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय टू इंटू 1/2A इंटू ए बाय 1 इंटू 1/ρL. ठीक है, ये एक ही साथ लिख देना चाहिए था. ओके, कैंसिल आउट कर देते हैं. A से A कैंसिल आउट हुआ, रो एल से आप लोग का रो एल कैंसिल आउट हो गया है. व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज आर डैश बाय आर इज इक्वल टू 1/4. सो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर. अभी यहां पे देखिएगा, आर यू आर गिवन 4 ओम. सो रो डैश इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4, हम लोग ने आर की वैल्यू लगा दिया है. सो आर डैश इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम. सो न्यू रेजिस्टेंस इज 1 ओम, लाइक दिस. क्वेश्चन समझ में आ गया है ये वाला? डन. ओके, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, आप लोग के एनसीईआरटी में ये सारे खत्म हो गए हैं. नेक्स्ट आप लोग का सर्किट डायग्राम्स है यहां पे टॉपिक, अभी हम लोग वो करेंगे बाद में. पहले कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए मेरे साथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा. यहां पर एक क्वेश्चन करिएगा. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर The diameter of the wire is 1 millimeter. The diameter of the wire is
1 millimeter, एंड रेजिस्टिविटी आपको कॉपर वायर की दे रखी है, दैट इज रो ऑफ कॉपर वायर दे रखा है इन्होंने, 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी दे रखी है. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. पॉज करिए यहां पर, पहले खुद से ट्राई करिएगा, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग. सो लेंथ आप लोग को इसमें दे रखा है 100 मीटर, डायमीटर आप लोग को इसमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, रो आप लोग को इसमें दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, रेजिस्टेंस आप लोग को इसमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, पहले ए निकाल लेते हैं, ए इज पाई आर स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू 3.14 × आर हमारा यहां से निकल आएगा, दैट इज 0.5 हो जाएगा इसका, 1/2 इज 0.5. ठीक है, सो 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर, सो ए विल बी 3.14 × 5 × 25, 0.25 × 10⁻⁶, ये मीटर स्क्वायर में आप लोग का आ गया. ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू. सॉल्व करते हैं यहां पर, आर इज इक्वल टू रो की आप लोग को दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁸ इंटू एल इज 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा आप लोग को ए, 3.14 × 0.25 × 10⁻⁶. चलिए थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, 100 इधर लेके आ रहे हैं, पावर से एक और कर रहे हैं, एंड इंटू भी साथ साथ ही कर रही हूं मैं, सो दैट इज 160 × 100 कर लिया इसको. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.14 × 0.25. ठीक है, इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहां पर, एंड यू विल गेट 0.785 × 10⁻¹⁸, एंड ये आप लोग का ऊपर चला जाएगा −6. सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज, इसको आप लोग करेंगे यहां पर 160 ÷ 0.785 × 10⁻¹⁶, यू विल गेट 10⁻². ये 2 आप लोग का यानी कि डिवाइड बाय इंटू 100 यहां पे आ गया, सो आर इज इक्वल टू 160 ÷ 0.785 × यहां पे नीचे ले आते हैं इसको, 100 कर लेते हैं, आर इज 160 ÷ 78.5, सो आर यू विल गेट 2. इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा 0.04 ओम. सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, ट्राई नॉट टू यूज द कैलकुलेटर्स क्योंकि आप लोग के स्कूल में अलाउड नहीं है. विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस. इतना आप लोगों को समझ में आ गया है. अब बहुत छोटी सी चीज बता रही हूं मैं, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट आर, कहां पे ओम्स लॉ लगता है, राइट? ओके, एक छोटा सा चीज बता रही हूं, चेक कर लीजिएगा यहां पर. ये मैंने पहले नहीं बताया था, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज है. अभी हम लोग जब सर्किट डायग्राम्स करेंगे तो हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे. सो फर्स्ट इज योर वोल्ट मीटर. अब वोल्ट मीटर क्या होता है आप लोग का, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. ठीक है, सो इसका पॉइंट्स लिख लेते हैं. नंबर फर्स्ट,
it measures वोल्टेज, या जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। पैरेलल और सीरीज अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस लिख लीजिए कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, क्लियर है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, पैरेलल और सीरीज अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एंड यह हमारा मेजर क्या कर रहा है, वोल्टेज, ठीक है। सेकेंड एमीटर, एमीटर क्या करता है हमारा, इट मेजर्स करंट ठीक है। एंड दूसरा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हमारा सीरीज में लगा होता है, सो कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट ठीक है। थर्ड, हम लोग रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए कि अगर हम लोग को करंट आगे पीछे करना है तो हम लोग बार बार बैटरी तो चेंज करते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो करंट को अगर हमें कम और ज्यादा करना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस आगे पीछे कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, रियोस्टैट एक इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाते हैं हम लोग, नोन एज रियोस्टैट। एंड रियोस्टैट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों हमें यह करना होता है, बिकॉज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सो अगर हमें करंट ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस हमारे को कम चाहिए है, एंड अगर हमें करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए। सो उसके लिए हम लोग रियोस्टैट को यूज करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म्स में देखें कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से हमारा फ्लो होता है, सो दो चीजें आप लोग को हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है हमारा कंडक्टर। सो कंडक्टर क्या होता है, विच ऑफर्स अ लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर उसमें लोअर रेजिस्टेंस है तो करंट अच्छे से उसमें जाएगा, दैट इज नोन एज अ कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी अच्छे से, ठीक है। सो इट ऑफर्स लोअर रेजिस्टेंस। दूसरी चीज इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं, जिसमें काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस जा सकती है, ठीक है। सो इतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होता है कि यहां से करंट पास ही नहीं करता है, सो दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो दे ऑफर, इट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इतना हायर है, इसमें सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस इसी में ही जा रहा है कि करंट ही नहीं जा पाएगा, इतना ज्यादा इंसुलेटर ये हो जाता है, ठीक है। देन यू हैव गॉट पुअर कंडक्टर्स। अब पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे ऑफर हायर रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत करंट जाता है उसमें, ठीक है। इवन हायर रेजिस्टेंस इसमें लिख रहे हैं, इवन हायर रेजिस्टेंस एंड इसमें हायर रेजिस्टेंस, क्लियर है इतना।
चलिए ये चीज कॉपी डाउन कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर आप लोगों को यहां पे दिख भी रहा है, मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10^-8 ohm meter टू 10^-6 ohm meter, हेंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी की लो रेजिस्टिविटी है सो लो रेजिस्टेंस भी होगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, सो आर एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आप लोग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर किसी की लो रेजिस्टिविटी होगी सो लो रेजिस्टेंस होगा, एंड अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट उसमें से अच्छे से जाएगा, ठीक है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में हायर रेजिस्टिविटी होती है, इतनी ज्यादा कि बहुत हाई जाती है, दैट इज 10^12 to 10^17 ohm meter, हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल रबर एंड ग्लास। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर स्पेसिफिकली यूज्ड, उसको पावर ट्रांसमिशन लाइंस में हम लोग डालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ तो मेटल्स में लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा करंट जाएगा, हेंस दे आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की बात करते हैं, बहुत हाई रेजिस्टिविटी उसमें होती है, हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल रबर एंड ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का एज अ क्वेश्चन है इसमें, व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉयज क्यों हमारे, सो इसमें पॉइंट वाइज हमने दे रखा है यहां पर, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। अगर हम लोग उसी मेटल की बात करें एंड एलॉयज की बात करें, सो रेजिस्टिविटी हाई होती है उसमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि मेटल हीट अप करेगा, सो बट ये जो एलॉयज है ये हीट अप करेंगे, बट वो आराम से बर्न नहीं होते इवन एट हायर टेम्परेचर्स। गर्म तो हो रहे हैं बट बर्न नहीं होंगे, हेंस दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे कि आप लोग के टोस्टर्स हो गए या फिलामेंट ऑफ बल्ब में हम लोग टंगस्टन यूज कर रहे हैं, क्लियर है इतना। नाउ पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसमें एग्जांपल, ध्यान से लिख लीजिएगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, डन। पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। विद दिस वी आर फिनिश्ड टिल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी तक हो गया है। प्रैक्टिस करिए इसको घर पे आराम से, देन वॉच माई नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन सर्किट डायग्राम्स। तो नेक्स्ट हम लोग पैरेलल एंड सीरीज एंड कॉम्बिनेशन सर्किट्स करेंगे, ठीक है।